नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। उत्तराखंड राज्य में बीते दिनों से हो रही भारी बारिश से नदियों का जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। इन कठिन परिस्थितियों में समस्त राज्य में एसडीआरएफ टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में सोनाली नदी का बांधा टूटने से समस्त लक्सर क्षेत्र जलभराव की चपेट में आ गया है। आपको बता दें, बीते दिन एसडीआरएफ फ्लड रेस्क्यू टीम द्वारा लक्सर क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी मेन बाजार बसेड़ी रोड में फंसे हुए कई लोगों को राफ्ट की मदद से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके अतिरिक्त पीपली गांव में एक जलमग्न मकान में से एक 4 सदस्यीय परिवार, जिसमें गर्भवती महिला, एक बुजुर्ग दंपति और एक 12 साल का बच्चा भी सम्मिलित था, सभी को राफ्ट की मदद से सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वहीं आपको बता दें, लक्सर में राहत और बचाव कार्यों को और प्रभावी बनाने के लिए एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने लक्सर पहुंचकर खुद समस्त रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाल ली है। उनके द्वारा ऋषिकेश, हरिद्वार, डाक पत्थर, देहरादून और वाहिनी मुख्यालय जौलीग्रांट से कुल 5 रेस्क्यू टीमें और एक पैरामेडिक्स टीम के साथ लक्सर जलभराव क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है, जहां एक और रेस्क्यू टीमें राफ्ट, रिमोटली ऑपरेटेड लाइफ बॉय और अन्य फ्लड रेस्क्यू उपकरण से लैस हैं, तो वहीं दूसरी ओर पैरामेडिक्स टीम आवश्यक उपचार सामग्री और पर्याप्त मात्रा में दवाइयों के साथ प्रभावितों की सेवा के लिए मुस्तैद है। प्रभावित लोगों को रेस्क्यू करने के साथ ही उन्हें इन कठिन हालातों का सामना करने के लिए उनका हौसला भी बढ़ाएंगे। इस समय अलग अलग यूनिट ना समझकर सभी को एक टीम के रूप में प्रभावितों की हर संभव सहायता का लक्ष्य रखकर उद्यत रहना है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।